यम ताश मिट
कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजे, कर जान कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हर दम दीजे, यमतास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। यमतास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरु। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हो और आज 26 नवंबर 2018 को आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई और आप यहाँ पर अपने घर के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए सत्संग सुनने के लिए आए। देखो, खाने के बाद किसी को पता नहीं रहता है क्या चीज खाए थे। सोने के बाद जब सो के उठता है तब उसी तरह से तरोताजा महसूस करता है कि जैसे कोई जमीन पर सोया हो और कोई महल में मोटे गड्ढे पर सोया हो। दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। भूख में सूखी रोटी पेट में पड़ जाए तो भी उसकी तृप्ति हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है और पुआ पकौड़ा मिठाई भी पड़ जाए। अब यह है कि सुगंधित चीज पेट में डाला जाए तो वो भी मल बन करके बदबूदार ही निकलेगा और सूखी रोटी डाला जाए तो होती उसी तरह। लेकिन अब खाने पीने और मौज मस्ती में ही लगा हुआ है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी चीजें, चाहे मार के लाओ, चाहे लूट के लाओ,
खैर छीन के लाओ, खैर दिल दुखा करके लाओ, बस इसी में समय निकाल देना है। यह सांसों की जो पूंजी है ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, और जैसे ही ये खर्च हो जाती है शरीर धड़ाम से गिर जाता है, इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। अब इतने आदमी आप बैठे हो और किसी शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो नाराज हो जाएगा, डांट फटकार लगाएगा, ज्यादा क्रोध में आएगा, गुस्सा करके गाड़ी भी दे देगा, थप्पड़ भी मार सकता है, और नहीं तो मुंह से अगर नहीं बोलेगा लिहाज करेगा तो अंदर अंदर कहेगा बताओ इनको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद हो गया आँख में, दिन में ही नहीं देख पाते, देखो इनको, अरे बहुत से लोगों को रात में नहीं देखता, इनको दिन में नहीं देखता है, इसको ये मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन शरीर छूटने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, कहते ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी में मिला देते हैं, कहा गया ना मिट्टी का खिलौना है, इसकी कोई कीमत सांसों की पूंजी के खत्म होने के बाद, जीवात्मा के प्राणों के निकलने के बाद नहीं रह जाती है। जानवरों का हड्डी और मांस खून तो काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का कोई काम नहीं आता है, न खाल काम आता न हड्डी काम आती है, और न ही कोई मनुष्य का मांस खाने के काम में लेता है, ये बिल्कुल एकदम से बेकार हो जाता है। लेकिन यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि न समान ने कौन दे ही, और जीव चराचर जा चते ही, जितने विचार और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को उस मालिक से थोड़े समय के लिए मांगते रहते हैं, तो थोड़े समय के लिए ही हमको मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इस वक्त पर इंसान जो कुछ भी काम करने में लगा हुआ दूसरों के लिए, यह भूल और भ्रम का देश है, काल और माया का देश ये बताया गया है। इसमें आदमी करता है दूसरे के लिए और कहता है अपना, जैसे कबीर साहब ने कहा कि चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें तो कबीर रोया, चलती है उसको लोग कहते हैं गाड़ी है, गाड़ी हुई है नीचे घटा है उसको गाड़ी कहते, चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, खोया जब बढ़िया गाढ़ा बन जाता है दूध तब कहते हैं खोया है, बेकार है, और रंगी रंगीन होती है तो कहते हैं नारंगी है। ऐसे ही इस भूल और भ्रम के देश में आदमी कहता मेरा है मेरा है मेरा है, कहता ये मेरा मकान बन रहा है, ये मेरी जमीन है, मेरा खेत है, मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस व्यापार है, लेकिन आँख बंद होने के बाद उसका रह जाता है, किसी का नहीं रह जाता है। यह है मृत्यु लोक। मृत्यु का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। इस लोक में जितने भी लोग आते हैं एक दिन बाहर निकाल दिए जाते हैं। आप देखो एक शेख राजा महाराज आए, शेख साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जो शिव विद्वान आए, आप देखो राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत आए, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा है। यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक से निकलने के बाद जिसको अपना आदमी कहता है वो दूसरे का हो जाता है, इसलिए यहाँ तो अपनी चीज कोई है ही नहीं, यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है, और जो भी पुत्र परिवार धन दौलत ये सब है ये तो यानी एक दूसरे से जोड़ दिया गया है कर्जे के अदायगी के लिए, एक दूसरे का जो लेना देना है कर्मों का पिछले जन्मों का उसको अदा करने के लिए जोड़ दिया गया है। अब आप ये समझो कि अपना घर अपना मकान अपनी चीज यहाँ जब कुछ नहीं है तो अपना घर कहीं और होगा, और है अपना घर ऐसी जगह पर है जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता नजर नहीं आता,
नाबदान नाली बहता दिखाई नहीं पड़ता, वो अपना देश है। मड़ियों और मोटियों के कंगूरे महल बने हुए दिखाई पड़ते हैं, जमीन नहीं है, आसमान जैसी कोमल धरती दिखाई पड़ती है, उसे पर महल बना हुआ है। मड़ियों मोटियों के कंगूरे, मड़ियों मोटियों के चबूतरे, मड़ियों मोटियों की तालाबों की सीढ़ियाँ, ये सब दिखाई पड़ती, वो अपना देश है, अपना घर है, अपना वतन है। वहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए और अभी तक नहीं पहुँच पाए। कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि रास्ता मालूम नहीं हो पाया, वहाँ जाने का रास्ता मालूम नहीं हो पाया। है तो आप समझ लो इस मनुष्य शरीर में ही, लेकिन इस मनुष्य शरीर का रास्ता बताने वाला कोई मिला नहीं, ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं। कथा भागवत प्रवचन तो सुनते रहे, लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग कर मिला होता तब जानकारी हो जाती कि भाई जीवात्मा को कैसे निकाला जाता है, कैसे अपने घर अपने वतन वाली के पास पहुंचाया जाता है। तो देखो प्रेम, आपको मौका मिला है, अभी मनुष्य शरीर मिला है, रास्ता आपके अंदर में है, अब जानकारी हो जाएगी और उस रास्ते पर चलोगे तो इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन होगा। देवी देवताओं का दर्शन इसी में होता है, और आज तक अगर हुआ न होता तो कैसे? अन्य लोग कहते, बहुत से लोगों ने कहा, आपको कुछ दिन पहले अभी कबीर साहब हुए, कबीर साहब ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आप तेरा साई तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे में ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाए। फकीर ने भी इसी चीज को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जीरिंदो से पूछो दिल की आशियाने में, लेकिन दिल की आशियाने में तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दिल के आशियाने में खुदा को इसलिए नहीं देख पाते कि इन बाहरी आँखों से वो देखा नहीं जा सकता, और इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, उस पर लगे हुए हैं कर्मों के पर्दे, जो जान और अनजान में बुरे कर्म किए, कुछ इस जन्म के कुछ पिछले जन्म के, तो वो आँख बंद हो गई इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। वो आँख अगर खुल जाए, दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु जिसको कहते हैं, वो अगर खुल जाए तो भगवान का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होने लग जाए। अब आप ये देखो कि दुनिया किसने बनाया? दुनिया बनाया मालिक ने, भगवान जिसको कहते हो, कोई अल्लाह ताला कहता, कोई खुदा कहता, कोई पाप परवरदिगार कहता है, कोई गॉड कहता है, यानी उसने बनाया। अब वो अगर मिल जाए तो पापी पेट के लिए आपको गुनाह गलती करनी नहीं पड़ेगी, फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप कश दुर्लभ नहीं। पहले के समय में जैसा था, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारते, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। सती सावित्री को देखो, पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, एक साधे सब सब है और सब साधे सब जाए, एक को लोग साधते थे, उस मालिक का दर्शन दीदार करने का निशाना लक्ष्य बनाते थे, अपने जीवात्मा के लिए भी कुछ करते थे, जीवात्मा को खुराक देते थे। इस वक्त पर आदमी शरीर के लिए सब कुछ करने लग गया तो जीवात्मा है क्या चीज? देखो आप जो पहली बार सत्संग सुन रहे हो, आपको जीवात्मा के बारे में नहीं मालूम होगा, मैं आपको बतलाता हूँ। देखो आप यहाँ पर बैठे हो, आपके शरीर में छोरा भोग किया जाए, साकू मार दिया जाए तो रो पड़ोगे, चिल्ला उठोगे, और अगर जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज निकल गई। तो यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमर साहब सुख राशि परमात्मा की अंश जीवात्मा। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है। जिस रास्ते से डाली जाती है, बहुत पतला रास्ता होता है,
और जीवात्मा भी बहुत छोटी, इन बाहरी आंखों से आप उसको देख नहीं सकते। किसी भी माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं उससे आप देख नहीं सकते हो। यही आत्मा घोड़े में भी, हाथी में भी, ऊंट में भी, बकरी में भी, यही जीवात्मा चींटी में भी, चींटी से छोटे कीड़ों में भी, यही जीवात्मा जो आपके अंदर सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है। तो 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें डाली जाती है। उस समय पर मालिक का दर्शन बराबर होता रहता है 24 घंटे, और दर्शन करके उनकी आवाज़ को सुन करके मस्त रहता है। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे आपको नहीं पता है, माँ के पेट में पता रहता है कि देखो हम चूहा बन गए थे किसी जन्म में, और बिल्ली ने पकड़ करके हमको नोच करके खाया। वो नुकीले मुंह वाली चूहिया जिसको छछुंदर कहते हैं वो मैं बन गया, और सांप ने पकड़ा, अब सांप न निगल रहा है न छोड़ रहा है। अगर निगल जाए तो सांप मर जाए, और छोड़ दे तो वही छछुंदर उसकी आँख फोड़ते अंधा हो जाए। तो दबाए रहता है बहुत देर तक, ऐसे मुँह में दबाए ही रहता है, न निकलता है न छोड़ता है, धीरे से ढीला करता है, सोचता है छोड़ दें, तब तक फिर सोचता है अंधा हो जाऊंगा, फिर सोचता है निकल लें तो फिर दबाता है, फिर सोचता मर जाएंगे तो फंस जाता। कहा भयगत सांप छछुंदर जैसी, जैसे कभी गाड़ी का गियर फंस जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, ऐसे ही। तो जब देखा कि चूहा बने, बिल्ली बने, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप गोदर बने, नरकों में मार खाए, तब रोता है और कहता है, प्रार्थना करता है जीव माँ के पेट में कि जल्दी करो प्रभु, हमको तैयार करो, बनाओ, बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। क्योंकि माँ के पेट में यह भी मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास जा सकते हैं। माँ के पेट में यह भी पता रहता है कि जब सदगुरु मिलेंगे, सच्चे समर्थ गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे और उस रास्ते पर हम चलेंगे, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब 9 महीने से पहले बच्चा अगर कोई पैदा हो जाता है तो जिंदा ही नहीं रहता है, क्योंकि सिस्टम सही नहीं बन पाता है, पूरा 9 महीना लगता है। अरे समय लो, कमजोर बच्चे जो कम उम्र में पैदा हो जाते हैं उनके विकास में बड़ा समय लगता है, और देखो कुछ बच्चे ऐसे भी जल्दी पैदा हो जाते हैं फिर कहते हैं कि इनकी किडनी नहीं काम कर रही, लीवर काम नहीं कर रहा है, हार्ट नहीं काम कर रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप ये समझो कि 6 तरह की शक्तियाँ जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और छीड़ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं, और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व इसको तैयार करते हैं। अब अगर माँ से कोई गलती बन गई, खान पान चरित्र में अगर कोई कमी हो गई तो वही लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। देखो एक ही बाप के 2 बेटा, कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, और दूसरे को कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, ये मंद बुद्धि का है, कमजोर बुद्धि का है। अब उसका क्या कारण है? जो माताएं जिनके पेट में बच्चा रहता है वे सत्यवादी होती हैं, अहिंसावादी होती हैं, अनिर्जीवों पर दया करती हैं, हिंसा हत्या से दूर रहती हैं, सेवा भाव रहता है, परोपकार रहता है, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती है, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता रहती है, खान पान चरित्र ठीक नहीं रहता है, उनके बच्चे आए समय जो नालायक पैदा हो जाते हैं। तो 9 महीना पूरा समय लगता है, उसके बाद में तब बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन निकलते समय माँ के पेट से रोता है। क्यों रोता है पता है किसी को?
कहते हैं बहुत रो रहा है लड़का, बड़ी तकलीफ में है, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को क्या पता क्यों रोता है, डॉक्टर तो नींद का इंजेक्शन लगा देता है, सो जाता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे को पैदा होते ही नींद का इंजेक्शन लगा देना, तो समझ लो कि उसके शरीर के विकास में बाधा डाल देना होता है। बच्चियों की शादी हो जाती है और पेट में बच्चा जब आता है, मासिक धर्म रुकता है, तो तुरंत टेस्ट कराने पहुंच जाती है। महीने भर में दो दो तीन तीन बार टेस्ट करा लेती है। लेकिन ये बिजली की किरणें जो उस लोथड़े के ऊपर पड़ती हैं, विकास ही रुक जाता है। और डॉक्टर को बाद में कहना पड़ता है कि ग्रोथ खत्म हो गया है, एबॉर्शन करा दो, अब निकलवा दो इसको, नहीं सड़न पैदा हो जाएगी, रोग हो जाएगा, कैंसर हो सकता है। अब आप बताओ कि अच्छे के लिए किया, लेकिन ना जानकारी होने की वजह से नुकसान हो गया। आप देखो पहले कोई टेस्ट था, कोई टेस्ट नहीं, नियम संयम से रहती थी, सत्संग मिलता रहता था, जानकारी हर तरह की होती थी और सत्संग मिलता रहता था, और काम करते करते चक्की चलाते चलाते और पेट में दर्द हुआ और उठ करके गई और बच्चा पैदा हो गया। लेकिन अब आजकल जो लड़कियां पढ़ लेती हैं, सास की कुछ सुनती हैं, अरे हम तो पढ़ी लिखी हैं, ये तो अनपढ़ हैं, इनको क्या पता है, हमको तो सब पढ़ाया गया, साइकोलॉजी पढ़ाया गया, सोशियोलॉजी पढ़ाया गया, हम तो सब पढ़े हुए हैं, हमको इनसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन कोई देखो MBBS MS लड़की यानी डॉक्टरी पढ़ करके आई, दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके तो निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब तब उसको अनपढ़ सास ही कराएगी, यानी अनपढ़ सास हाथ फेर करके और बच्चे को पैदा करा देगी, अपना ऑपरेशन करके बच्चा नहीं पैदा करा सकती। ऐसे ही यह कहा जाता है कि भाई तालमेल रखो, सेवा करो, सेवा से ये खुश रहेंगी तो तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब बताऊँ मैं आपको कि रोता हुआ क्यों पैदा होता है, इसलिए कि जैसे बाहर निकलता है पर्दा पड़ जाता है माया का, गो गोचर जहाँ मन लग जाए और सो सब माया जाने भाई, जहाँ तक नजर दौड़ाओ माया का ही पसारा है। पर्दा पड़ा बस दर्शन होना बंद हो गया, और जैसे दर्शन होना बंद हुआ बटैसे रोया, कहाँ 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 पहुँच गया। दूसरा कारण क्या है रोने का, आज तक कोई भी बच्चा चटरी बनियान पहनकर पैदा हुआ, कोई नहीं, सूट बूट पहनकर कोई पैदा हुआ, कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते हैं। कहते हैं ना नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, तो नंगे बदन में ये गर्मी और ठंडी की जो हवा की किरणें हैं, हवा है ये इस कदर लगती है, तो मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। अब आप समझो इसलिए रोता है। तो कहते हैं ना कुछ अन्नी लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे, नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो लेकर तो आए हो, अगर न समझ पाओ तो तकलीफ झेलते झेलते रोते रोते दुनिया से चले जाओ, और अगर समझ जाओ तो कोई तकलीफ नहीं, रहो कीचड़ में ही, लेकिन जैसे कमल खिला रहता है ऐसे खिले रहोगे, और रहोगे इसी मृतलोक में, और रहोगे कांटों के बीच में, लेकिन जैसे गुलाब खिला रहता है, खुशबू लोगों को भी देता है, ऐसे रहोगे तो क्या लेकर आए, कहाँ लेकर कैसे लेकर आए, ये आपको नहीं पता है। अरे जब कुछ पहन कर नहीं आए, कोई गाड़ी घोड़ा कोई बैग थैला लेकर टैक्सी लेकर नहीं पैदा हुए, तो कहाँ लेकर आए, मुट्ठी में का चार पदार्थ कर तल ताके, कर माने हाथ और तल माने तलवा, का चार पदार्थ लेकर आए, जितने भी बच्चे पैदा हुए सब मुट्ठी बांध के। मुट्ठी कब खोलते हैं, जब उनको होश आने लगता है,
जब उनके दांत जमने लगते हैं, जब अंगूठे को पकड़ करके मुंह से मुंह में डालते हैं, चूसते हैं और दांत अन्य उनका निकलने लगता है, अगर पैदा होते ही अन्य समझ लो कि दांत पैदा होते ही दांत अगर अन्य उनके रहे तो उनको तो ज्ञान है नहीं, वो तो दांत से ही अपनी जीव काट लेंगे, अपना अंदर का अन्य सब जबड़ा काट लेंगे वो। इसीलिए देखो कुदरत का जो नियम है, कुदरत ने जो बनाया बड़े हिसाब से बनाया है, बुढ़ापा जब आती है तो ये खाली सिकुड़ जाती है, वो तो खाली जब सिकुड़ती तो ये अंदर की तरफ झुकती तो दांत से ये खाली दब जाती है, जीव मोटी हो जाती है, जीव का जो स्थान है उससे ये मोटी हो जाती है तो यह दांतों के बीच में बढ़ जाती है, इसीलिए दांत गिरते हैं। कुदरत ने सब सही बनाया, लेकिन कुदरत को ही लोग दोष देते हैं कि प्रकृति ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कहते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, वो चोंच लड़ाते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं। ऐसे ही एक आदमी पढ़ा लिखा था, जा रहा था पैदल ही, लोग चलते थे, सवारी का साधन तो था नहीं, बैठ गया पेड़ के नीचे, सुस्ताने लगा, फिर लेट गया। तो जामुन का पेड़ था, देखा पेड़ तो बहुत बड़ा है लेकिन फल बहुत छोटे हैं, तो देखा तो कहा कुदरत ने ना इंसाफ किया, देखो पेड़ इतना बड़ा और फल इतने छोटे छोटे बनाए, और कद्दू का पेड़ भी नहीं होता, जमीन में लेटा रहता है, बेल में लगता है, इतना इतना बड़ा होता है, तो कुदरत ने इंसाफ नहीं किया। यही झगड़ोर रहा था, कुदरत को कोस रहा था, तब तक एक जामुन नाक के ऊपर गिरा, ऊपर से नाक के ऊपर गिरा जामुन, तो कहा बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया, और अगर अभी कद्दू गिरा होता ऊपर से तो क्या हालत होती है, तो कुदरत ने तो बिल्कुल सही किया। तो अब आप ये समझो कि अन्य समझो कि कुदरत ने अन्य सब कुछ देकर, प्रकृति भगवान ने सब कुछ देकर भेजा, हाथ में क्या देकर भेजा, चार पदार्थ, चार चीजें क्या हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसी में सारी जिंदगी आदमी की निहित है। अब अगर अर्थ समझ में आ जाए कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसका असलिया काम अगर समझ में आ जाए तो आदमी का जीवन सुखी हो जाए, और अन्य समझ लो कि धर्म असलिया मालूम हो जाए कि इसको नरकों में जाने से बचाया जाए, मारे काटे जाने से बचाया जाए, इसको 84 में कुत्ता बिल्ली के शरीर में बंद होने से बचाया जाए, 9 महीने माँ के पेट में लटकने से बचाया जाए, इसका यह हमारा धर्म बनता है कि इसको बचा लिया जाए, तो समझ लो कि अभी ये नरकों में न जाए, 84 में न जाए, ये काटी न जाए, सड़ाई गलाई न जाए, तपाई न जाए, ये समझ लो कि यह बच जाए और इसका हो जाए मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं, जहां से अन्य लौटना होता ही नहीं है, शमशान घाट पर लिखा रहता है मोक्ष धाम। कोई मुर्दा लेकर के जाता है और कोई दिक्कत आ गई, लकड़ी नहीं मिली, बिजली नहीं है, आंधी आफत आ गई, पानी बरसने लगा, तो चाहे 2 दिन लगे लेकिन वापस फिर कोई घर में लाता है, जला के ही आते हैं वहां। ऐसे ही जैसे मुर्दा वापस नहीं होता, मोक्ष हो गया उसका, मुर्दे का आदमी का मोक्ष हो गया, वापस नहीं लाते, ऐसे वापस इस मृत लोक में इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े, ये चीज अगर समझ में आ जाए तो ये सुखों का सागर बन जाए। लेकिन आप समझो कि ये चीजें समझ नहीं पाते, सत्संग नहीं मिलता है, कथा भागवत तो सुनते हैं, राम कथा सत्यनारायण कथा और ये तो सब सुनते रहते हैं लेकिन सत्संग नहीं मिलता है, इसलिए दुख झेलते हैं, रोते हुए ही जिंदगी बीतती है, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों लड़कों में खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। मैं तो जाता हूँ ना देश विदेश में सत्संग करने जाता हूँ, कई देशों में गया, यहाँ भी हिंदुस्तान में भी घूमता रहता हूँ,
तो हमको तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो कोई कोई कहता है कि घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, दया हो जाए। कोई कहता माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है, दया हो जाए। और कोई कोई तो सीधे कह देता शादी करा दीजिए, शादी नहीं हो रही है। लेकिन महीना दो महीना में कोई ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं छुड़ा दीजिए, तलाक करवा दीजिए, जान छूट जाए, जान कहलाले पड़ रहे। तो जिसकी नहीं हुई वह भी रो रहा, जिसकी हो गई वह भी रो रहा, जिसके बच्चे नहीं वो भी रो रहा, जिसके चार बच्चे हो गए वो भी रो रहा, जिसके बच्चे नहीं कर दो कि तुम दान कर दो, पुण्य कर दो, तीर्थ कर जाओ, चलो गंगा जमुना में डुबकी लगाओ, चलो गया में पिंडदान कर जाओ, मजार पर चढ़ चढ़ा दो, वैष्णो में वैष्णो देवी चुनरी चढ़ा दो, सब करेगा। और कोई अगर मिल गया कह दिया काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो वह भी चढ़ा देता है। यह नहीं देखता है कि पाप कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। देवता देते हैं कि लेते हैं? देवता देते हैं, लेवता नहीं होते हैं। देवता जान के बदले जान नहीं लेते हैं। अगर वो जिंदा देवता होते तो अपने सामने बलि चढ़ाने देते। दुर्गा जी अगर साक्षात ऐसे बैठी हूँ और तलवार ऐसे लिए हुए बैठी हूँ तो तलवार से काट देंगे कि हमारा रंग तुम हिंसा क्या कर रहे हो, हमारा काम तो दया करना है। लेकिन अनजान में आदमी माने हुए देवता को, पत्थर की मूर्ति को माने हुए देवता को बलि चढ़ा देता है, दूसरे के लड़के को चढ़ा देता है। देखो कोई बात नहीं, मानो टूटो नहीं तो पत्थर। आदमी के बनाए हुए देवता को मूर्ति को आपने भगवान मान लिया, देवता मान लिया, श्रद्धा आपका प्रेम आपका आपने मान लिया, लेकिन बलि तो न चढ़ाओ, जहन तो न लो किसी का, कभी भी बलि मत चढ़ाना। और प्रेमियों बता देना लोगों से कि बलि चढ़ाने से पाप से दब जाओगे, मिलने वाला कुछ नहीं है, नुकसान ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके बच्चा नहीं हो रहा है वो दूसरे का बलि भी चढ़ा देता है, जानवर काट देता है, दूसरे लड़के को सिर काट कर चढ़ा देता है अज्ञानता में। और जिनके चार लड़के हो गए कहते दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, बाबा जी आप बड़े भाग्यशाली हो, काका जी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा, हम तो अधर में लटके हुए हैं, अब बैठ जाओ उसके पास और धीरे धीरे पूछते जाओ, धीरे धीरे बात करते जाओ, तो सब बात बताता है। बैठ जाओ और कहो काका आपने तो अपने लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया और बढ़िया कमाने वाला बना दिया और पढ़ी लिखी बहू भी ले आया, वह भी कमाने वाली, तो काका ऐसी क्या बात हो गई, बहू आपको रोटी बना के खिलाती नहीं है? क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो खाती जाती है बनाती जाती है। अरे तो काका पूछा नहीं ऐसा क्यों करती है? पूछा तो कहती है ट्यास्ट करके बनाती हूँ खराब न बन जाए। काका ट्यास्ट करके क्यों बनाती है? अरे इसलिए कि उसकी माँ ने रोटी बनाना ही नहीं सिखाया, वो तो बस पढ़ाती गई। तो पूछा एक दिन कि तू शहर में थी तो वहाँ खाना नहीं बनाती थी, खाती क्या थी? बोली होटल में खाते थे। बताओ क्या जमाना आ गया, क्या समय आ गया। पहले था लोग खाना घर में खाते थे, टट्टी मैदान जंगल बाहर जाते थे, अब टट्टी मैदान लेटरिन घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर जाते होटल में। काका होटल में खाना अच्छा नहीं बनता? अरे भाई होटल में तो तीन तीन दिन की दाल खिला देते हैं। काका आपने कभी खाया?
अरे हमने तो नहीं खाया, लेकिन हमारा परेशानी था, वो होटल चलाता था, पूछा माल बच जाता होगा बेकार जाता होगा, बोला एक दाना बेकार नहीं जाता है। पूछा क्यों? बोला उबाल के सब्जी रखते हैं और जब आते हैं तब छौंका लगा के दे देते हैं, चावल बच गया तो दूध डाल दिया, खीर बन गई, और दाल तो तीन तीन दिन की खिला देता हूँ तो काका खट्टी नहीं लगती है जब सड़ती है। अरे बोले तभी तो तड़का लगा कर देता हूँ, तो कहते टमाटर वाली दाल लाओ, खट्टी वाली लाओ। तो भाई अरे जो है इस तरह से होटलों में देखो बताओ, इनको होटल खाने चले जाते हैं, ये कैसे स्वास्थ्य इनका सही रहेगा। सुबह उठते थे आबो हवा बढ़िया लगती थी, हवा अच्छी लगती थी, भगवान का नाम देते थे, और फिर जो है नहाते धोते खा पी करके आराम से जाते थे। और तो ये बच्चे 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए, भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिया, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, और रात को लौटते हैं, हमारे समझ नहीं आता है, इनका दफ्तर रात को 11 बजे 10 बजे तक चलता है, कुछ समझ नहीं आता। अरे काका तो मेहनत करते हैं तो कमाई तो करते होंगे, रुपया तो लाते होंगे। क्या रुपया लाते हैं कुछ समझ नहीं आता, हाय हत्या मची हुई है, हमेशा कहते घाटा घाटा घाटा। तो काका आखिर बात क्या हो गई, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आपको संभालू। क्या बुढ़ा कहता है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब की जाती है तब लक्ष्मी रुकती हैं, और नहीं तो जैसे आती हैं वैसे चली जाती हैं। भाई जुआरी जुआ में लक्ष्मी को दांव में लगा करके जीत करके जब लाता है तो जुआरी के पास पैसा रुकता है? काका रुकता तो नहीं है पैसा, वो तो दरिद्र ही रहता है। हाँ चोर चोरी करके भोल लाता है, लेकिन रहता नहीं उसके पास, मेहनत की कमाई सीखती सिखाया, लेकिन ये नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। अरे काका आपको बताते नहीं होंगे, रखते होंगे चुपचाप अपने अपने पास, कोई कुछ नहीं रखता, अगर रखता तो हमारी तिजोरी पर ही नजर क्यों रहती सब लोगों की। अरे काका तो सेवा तो करते होंगे आपकी? सेवा तो मैं कराता ही नहीं हूँ डर के मारे। काका लड़कों से क्यों डर, अपने बच्चों से क्यों डर? अरे इसलिए डरता हूँ कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे तिजोरी की चाबी के लालच में। तो अब आप ये समझो कि जिसके ज्यादा है वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है कहता रुपया पैसा हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, और ज्यादा पैसे वाले की हल बताता हूँ आपको। अभी जो नोटबंदी जब हुई, एक सेठ को नींद ना आवे, उठे बैठे चारपाई पर, टहले घूमे कमरे में, 3 दिन हो गया, तो लड़कों ने कहा डॉक्टर के पास ले चलो, ले गए। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को? बोले नींद नहीं आ रही है। अरे तो नींद की गोली दे दिए होते? बोला 3-3 गोली दे दिया, नींद नहीं आ रही है। तो डॉक्टर भी सोचने लगा आप कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा साहब चौथी गोली दे दें। चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे, यही 3 गोली बहुत ज्यादा हो गई, ओवर डोज हो गया। तो जिसके ज्यादा है उसको नींद नहीं आ रही, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप देखो घर घर में बीमारी, और तो घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्य मन मटाओ, यही गृहस्थ आश्रम जो कभी स्वर्ग जैसा था नर्क जैसा हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? उठना बैठना तौर तरीका, खाना पीना, विचार व्यवहार सीख नहीं पाए, इसलिए ऐसा हो गया। अगर तरीका मालूम हो जाए गृहस्थ आश्रम में रहने का, खान पान का तरीका मालूम हो जाए, तो अभी ये तकलीफ दूर हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, देखो प्रेमियों, ये जो मनुष्य शरीर का खून है ये शाकाहारी है, शाकाहार यानी खून है ये, और जब इसमें मांस डाल देते हैं
और उसका खून जब बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। खून बेमेल कैसे होता है? जैसे बूढ़ा बीमार पड़ा, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर जब टेस्ट करता कहता नहीं चढ़ पाएगा, तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर जब टेस्ट करता खून कहता ग्रुप नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो कि एक ही माँ के पेट में एक ही रजवीर से दोनों बने और दोनों को रोज पिला के पाला पोसा बड़ा किया एक ही माँ ने, लेकिन खून का ग्रुप नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि एक मांसाहार किया और दूसरा शाकाहार किया, इसलिए समझ लो खून नहीं मिल रहा है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो जब खून का दौरा तेज हो जाता है तभी तो दिमाग काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, गरिष्ठ चीज खाए गैस बना और खून का दौरा तेज हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही। इसलिए सही शुद्ध खून रखने के लिए, दिल दिमाग बुद्धि सही रखने के लिए शाकाहारी भोजन करो। साग सब्जी दूध मलाई खूब खाओ जितना हजम कर सको, लेकिन किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाओ, मछली अंडा का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि के ऊपर असर पड़े। देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, चार वेद छह शास्त्र सारा पुराण का जानकार था, लेकिन बुद्धि ही खराब हो जाती थी। जब मांस खाता था और शराब पीता था होश में नहीं रह जाता था, बुद्धि जब खराब होती थी तो दूसरे की माँ बहन बहु बेटी को गलत नजर देखता था, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। ऐसा काम नहीं करने का है। और कहा गया कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, हजम हो जाएगा, और जब ज्यादा खा लेते हो तो आयु समय लोग के ही दर्द होता है पेट में, तो डॉक्टर के पास पहुंचते हो बस तुरंत फॉर्म भरवाता है और कहता ऑपरेशन होगा है, इतना पैसा जमा करो, और चाहे जमीन बेच के लाओ, जेवर बेच के लाओ, जानवर बेच के लाओ, पैसा जमा करो, ऑपरेशन करो। एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई जरूरी नहीं कि दोबारा फिर न कराना पड़े, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। उसका दो कारण है, एक तो इंगला पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ियां जो शरीर को संचालित करती हैं, जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई, उसका प्रकाश हृदय चक्र पर पड़ता है, ये कमल चलती हैं, चक्र चलता है, वहां से वापस नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र पर पड़ता है, वो चलते रहते हैं, ये शरीर को चलाते हैं, और तीन ये इंगला पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ियां चलाती हैं। लेकिन इन नाड़ियों में से बहुत पतली पतली शाखाएं हैं जो आंख से नहीं देखी जा सकती हैं, इतनी पतली हैं। तब जब वो कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, कि जैसे आप पानी यानी कहीं लेकर जा रहे हो और पाइप में लीकेज बहुत हल्का सा भी हो जाए तो पानी उसमें निकलता रहता है, पूरा पानी वहां नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ही पूरी ताकत शरीर को चलाने वाली वहां से कट जाती है और फिर बेकार पैदा हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन का कारण क्या होता है कि पैसा मिलता है, पैसा ऑपरेशन नहीं मिलता है। आप समझो कि डोनेशन दे करके पढ़ाई किए और फिर लौट करके आया कर्जा लिया और फिर नर्सिंग होम खोला, अस्पताल खोला, जिसमें समझो करोड़ों रुपया लगा, तो 500 रुपये 400 रुपये के फीस से वो कैसे चलेगा, तब वो निकालने कमाने की कोशिश करते हैं, तो ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है, इसलिए ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर। अब एक बार ऑपरेशन कराया तो छुटकारा नहीं, दुआ जाओ फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओ फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, तब बोला डॉक्टर साहब आपकी बार ऑपरेशन जब करना तो सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन
और या तो बटन लगा देना कि जब फिर आओ बस बटन खोल के ऑपरेशन कर दो। सिलाई करते हो, टाका लगाते हो तो पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, दर्द होता है, तो साथ चाय लगा दो। तो अब आप ये समझो कितनी बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए कहा जाता है संयम और नियम से रहो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, चलता रहेगा। अब आप देखो, कहा गया कि किसी मामले में जानवर आदमी से ज्यादा संयम नियम में रहते हैं। कैसे, ये भी बता दें, कोई खा करके आया पेट भर करके और उसके सामने रसगुल्ला ला करके प्लेट में रख दो और कह दो खा लीजिए, ले लीजिए खा लीजिए, कह रहा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, बिल्कुल इच्छा नहीं खाने की, अरे ले लीजिए एक आध, तो ऐसा देखता रहेगा और देखते देखते फिर उठाएगा और उठा करके धीरे धीरे खाएगा और जब खत्म हो जाएगा तब फिर देखेगा उसी तरह और फिर धीरे से दूसरा उठा लेगा, उसको भी धीरे धीरे खाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, अगर देखोगे तो शर्मा जाएगा, अलग मुंह करके बात करते रहो तो तीसरा भी उठा लेगा, चौथा भी, पांचवा, छठवा, सब खा जाएगा, एक नहीं छोड़ेगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि भूसा रखने वाली जगह है, चारा रखने वाली, दबा दबा के बांट दो। लेकिन कुत्ता अरे खा पी करके आया और उसके सामने रोटी डाल दो, तो अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता होगा तो सूंघ करके छोड़ देगा। और ये तो घूमने वाले कुत्ते हैं जिनको खाने को बहुत कम मिलता है, वो उसको सूंघ करके और उठा करके ले जाएंगे, दबा करके रख देंगे और जब भूख लगेगी तब खाएंगे, खाते नहीं है। 12 महीना में 1 महीना आता है तब पगलाते हैं। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो संयम नियम से कौन रहता है, वो रहते हैं कि ये रहते हैं। संयम और नियम बहुत जरूरी है। तो कहा गया कम खाओ और कम खाओ, अगर दो बार बर्दाश्त कर लो तो आप समय लोग की झगड़ा झंझट खाता हूं, कोई क्रोध में है तो आप ठंडे पड़ जाओ, कोई बहुत अकड़ के चलता है पैर उसका छू लो पकड़ लो और पकड़े रहो तो झुक के उठाता है, और कोई आग हो तो आपको पानी, पति को गुस्सा हुए पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा हुए पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा हुए भाई चुप हो जाए तो झगड़ा होगा, सास को गुस्सा हुए बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा हुए सास चुप हो जाए, क्योंकि सास और बहू का झगड़ा झगड़ा लगा ही रहता है। अब यह जरूर है कि गरीब घर की सास और बहू जब लड़ती है ना और गाली देती है जोर जोर से तो पड़ोसियों को पता चल जाता है कि यह लड़ रही है। और बड़े आदमियों के घरों में सास और बहू जब अंग्रेजी में गाली देती हैं तो पता चलता है, नहीं पता चलता है अंग्रेजी इसको ले वालों उसको क्या पता क्या कह रहा है। अरे अंग्रेजों का समय था, किसान गया, किसान के दरवाजे पर अंग्रेज गया, पहुंच गया सुबह सुबह, तो उस समय तो बताना बर्फी होता नहीं था, यही दही दूध यही सब लोग खिला पिला करके स्वागत करते थे, तो दही बढ़िया जमाए हुए रखा था तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला, थोड़ा ही गुड़ था, और जब गुड़ पड़ गया तो और खट्टा हो गया, और जब उसने खाया कहा पॉइजन, और फिर जोर से बोला डैम फूल डैम डैम फूल, तो उसने कहा डैम फूल हमारा नाम रख दिया साहब ने, क्योंकि वो पहले उपाधि देते थे अन्यराज साहब भैया साहब ये सब उपाधि दे देते थे अंग्रेज लोग, तो कहा हमारा नाम रख दिया, सब लोगों से कहा हमारा साहब ने नाम रख दिया, हमको डैम फूल कहो, अब गांव वाले सब डैम फूल डैम फूल डैम फूल सब डैम फूल है कहने लगे। उसका लड़का बाहर पढ़ता था, पढ़ लिख करके आया था दरवाजे पर बैठा था, तब तक पड़ोसी आया ओ डैम फूल ओ डैम फूल ओ डैम फूल, लड़के ने कहा भाई इस घर में डैम फूल कौन हो गया, तब तक डैम फूल निकले पूछे आओ आओ भाई आओ बैठो बैठे बातचीत किए, और जब चला गया पड़ोसी तो लड़के ने कहा पिताजी आपको लोग डैम फूल क्यों कहते हैं, कहा वो साहब आया था बड़ा साहब हमारा नाम रख गया, अच्छा साहब ने नाम रख दिया पिताजी डैम फूल माने होता क्या आपको मालूम है, बोले हमको भैया नहीं मालूम, तो बड़ी मर्यादा थी उस समय, बाप के सामने बेटा चारपाई पर नहीं बैठता था जमीन पर बैठता था, इतनी मर्यादा,
तो अपने बाप को ऐसी बात बतावे कैसे हो? तो उसने कहा, हमारा दोस्त पढ़ के आया है, पिताजी उसके पास चले जाओ, पूछ जाओ। कहा, अच्छा पूछ लेंगे, नहीं अभी चले जाओ पिताजी। तो गया, कहा, भैया डैम पुल माने क्या होता है? तो कहा, काका मूर्ख जानते हो मूर्ख, जो इनको अकल न हो। बोले, हाँ तो जानते हैं। तो कहा कि और जो है वो डैम पुल और क्या होता है भैया? कहा, गधा जानते हो? गधा, हाँ गधा जानते हैं, वो हनुमान जी जो लेकर चलते थे। अब उसने सोचा कि हमको उपाधि जब दिया तो छोटी मोटी उपाधि देगा, तो गधा जैसा नाम रख दिया होगा। कहा, गधा जानते हैं? अरे वो गधा नहीं, गधा जिस पर सामान लाद करके एक जगह दूसरी जगह ले जाते, हमारा नाम गधा रख दिया, उरख रख दिया हमारा नाम, हमको ये कहते रहे लोग अभी तक हम नहीं जान पाए। ऐसे जो न जान पाओ उसको क्या पता है? नौकरानी जान तो नहीं पाती है कि सास और बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती, लेकिन नौकरानी से पूछो कि माता जी और बहू जी रहती हैं प्रेम से, तो बोलेगी कुछ नहीं। जब बार बार पूछे होते हैं क्या, कुछ समझ नहीं आता क्या कहती हैं, लेकिन आखिर जब देखती हूँ तो समझ जाती हूँ। इनमें आपस में जब एक दूसरे को देखती हैं, जैसे बकरा कसाई को देखता है, ऐसे जब देखती हैं तो पता चल जाता है कि इनमें प्रेम नहीं है। तो अब उसका कारण क्या है, झगड़े का कारण क्या होता है? झगड़े का कारण यह है कि मैं आपको बताऊं, आपको नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे और कैसे यहाँ मृत्युलोक में आए। तो ये देश किसका है? संतों का देश बताया गया, संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। संत कोई माँ के, संत कोई आसमान फाड़ कर जमीन तोड़ कर निकलते नहीं, माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, और संत मनुष्य जैसे ही रहते हैं, बोली वाणी ऐसे चट्टी पेशा वैसे रहता, लेकिन संत एक गति होती है, एक शक्ति होती है, पावर होती है, तो इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। परोपकार जो जीवों के लिए करते हैं उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। जैसे कोई जेल में बंद हो जाए तो आप ले जाओ उसको, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, कंबल दे दो, कपड़ा दे दो, तो कहता आपने मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया। लेकिन कोई चला जाए और जेल से निकलवा ले आवे, ताला खुलवा करके बाहर कर दे, तो कहता आपके परोपकार का बदला चुका ही नहीं सकता हूँ कभी। ऐसे जो संत आते हैं, यानी गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालते हैं, कहा ना बंधे तुम गाढ़े बंधन आम, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहो नाती हो वाह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या कहूँ बखान, चौलर पचल सतल रसरी बांध दिया तो बहुत तान, और मरे बिना तुम छूटो ना ही जीते जी धर सुनो न कान। तो बंधन में बंधे हो, और जीवात्मा भी बंधन में, ये स्थूल शरीर फिर लिंग शरीर फिर सूक्ष्म शरीर फिर कारण शरीर, जब उससे निकलेगी तब अपने घर अपने वतन जाएगी। तो संत क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं, बंधन से मुक्त कराते हैं, दोनों बंधन से मुक्त करा करके और अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुँचाया करते हैं। तो कहा गया कि जिस पेड़ का दातून संत कर लेते हैं उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, जिस गाय का बकरी का दूध पी लेते हैं दया हो जाती है उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, घोड़े को घोषवाली कर लेते हैं दया हो जाती है उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो अब आप देखो, घोषवाली कर लिया दया तो हो गई, मनुष्य यानी घोड़े से मनुष्य तो बन गया, लेकिन जैसे घोड़ा जो लट्टी मारता है तो आदमी भी ऐसा हुआ मारता हुआ ठोकर मारता हुआ चलता है। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और औरत बन गई, तो जिस तरह से यानी बकरी म्याँ म्याँ करती रहती है ऐसे औरत भी चिल्लाती रहती है, दिन भर बोलती रहती है। अब मान लो कोई उस योनि की है और ये देव योनि की है और इसका तालमेल नहीं खा रहा है आपस में तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो एक सत्संगियों की लड़की अपने माँ के साथ मेरे पास आई और माँ ने कहा कि महाराज जी इसको समझाओ, ये तो कह रहे कि हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा क्यों बच्ची, क्या बात हो गई? बोले महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार लो और घाव बन जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन बातों का घाव जल्दी नहीं भरता है। तो हमारी सासू माँ तो कड़क ही बोलती है, ऐसी बात बोलती है कि घाव भरता नहीं, घाव बढ़ता ही जाता है।
तो हमने कहा बच्ची तू सुनती क्यों है? और गुस्से में बोली कहा घर छोड़ के चली जाए। तो हमने कहा देख बच्ची तुझको तो बता दिया गया है कि आने क्या कोई बात बर्दाश्त न हो तो कान में उंगली लगा के बैठ जा, आंख बंद कर ले और भजन पे बैठ जा। क्या कहती है वरना तू सुन, और आंख से हाथ से सारा मुश्किल क्या करती है ना तू देख। तो तू जब सुनेगी नहीं और देखेगी नहीं तो वो अपने आप गुस्से में बोल करके शांत हो जाएंगे, क्रोध में जल करके वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएंगे। और उस बच्ची ने ऐसा ही किया, बात को पकड़ लिया। और उसके बाद में फिर उसने बोलने बंद कर दिया सास। ऐसे ही कोई सास कड़क मिल जाए, कोई बहू कड़क मिल जाए तो भजन पर बैठ जाओ तो झगड़ा झंझट सब खत्म। तो देखो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर में भी लोक हैं, ये आपके सूर्य लोक, चंद्र लोक, और आपके स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में आपको जाने का तरीका बताऊंगा कि आप यहीं बैठे बैठे उन लोकों में भी चले जाओ, सैर करके और चले आओ, घूम करके वहां का दृश्य सीनरी देख करके फिर वापस आ जाओ, वो भी रास्ता आपको बताऊंगा। गुरु महाराज हमारे बहुत लोगों को बताए, इनके पास जो भी गया किसी को उन्होंने खाली लौटाया ही नहीं, सबको बता दिया, सबसे उन्होंने प्रेम किया, गरीबी नहीं देखा, जात पात नहीं देखा, आप समझो कि इन्होंने जात पात नहीं देखा, कोई अनिविद्या अविद्या इन्होंने नहीं देखा कि पढ़ा लिखा है अनपढ़ है क्या, कुछ नहीं, सबको बताया, क्योंकि सबके अंदर एक जैसा रास्ता और सभी उस मालिक के जीव हैं। ये जात पाटी और ये जिला जमात और ये प्रांत सूबा ये तो आपने बनाया, उसने क्या बनाया? उसने तो एक इंसान बनाया, इसीलिए देखो हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा लाल, और मांस सबका एक जैसा, और आँख कान मुंह ये सब एक जैसे हैं। अब यह है कि पानी का असर जहाँ जैसा हो जाता है वहाँ आने समय लो किसी का शरीर काला हो गया, किसी गोरा हो गया, किसी की बनावट नाक थोड़ी उठ गई, किसी दब गई, कुछ आंखें छोटी हो गई, ऐसा हो गया। वहाँ का जैसा अन्य वातावरण रहता है उसी हिसाब से बच्चा माँ के पेट में बनता है पलता है, वो तो बात एक अलग है, लेकिन जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। तो संत जो होते हैं जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, मालिक अंश ये जीवात्मा है तो उससे भेदभाव नहीं करते हैं। और जीवात्मा जिस खोल में रहती है, जिस शरीर में रहती है, उससे भी कोई भेदभाव उनका नहीं रहता है संतों का। तो गुरु महाराज के पास जो भी आया सबको उन्होंने रास्ता बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंदिर तक बहुत से लोगों को पहुंचा भी दिया। जिन लोगों ने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, परहेज के साथ अनुसमय लोग सुमेलन ध्यान भजन किया, उन लोगों को आने समय लोग के गुरु महाराज बराबर मदद किए और पार कर दिए। और अब भी लोग गुरु के आदेश का पालन करते हैं, ध्यान भजन सुमेरन करते हैं, गुरु महाराज दुनिया संसार से जाने के बाद भी अंतर में मिलते हैं। और जिनको अंतर में मिलते हैं उनके अंदर कोई शंका नहीं, उनके अंदर कोई भ्रम नहीं, उनके अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो सब सुखी हैं। और जो गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं वही भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं, वही दुखी हो जाते हैं, कर्म उनके शरीर से खराब बन जाते हैं, और कर्मों की सजा सबको मिलती है तो कर्मों की सजा उनको भी मिल रही है, इसीलिए वो परेशान हैं। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज के आप जितने भी नामदानी हो, गुरु के एक वचन को अगर आप पकड़ लो कि एक घंटा सुबह शाम बच्चों रोज भजन करना, तो आप भजन में लग जाओ, गुरु का दर्शन जब अंतर में हो जाएगा
और गुरु आपको आश्रम में मिलेंगे, सब बता देंगे, समझा देंगे, शंका का समाधान हो जाएगा और समस्याएं हल हो जाएंगी, तो विश्वास हो जाएगा। देखे भी न हो प्रतीति, अब इन प्रतीत हो न प्रीति, बगैर देखे अंतर में विश्वास होता नहीं है। तो आप जितने भी पुराने लोग नामदानी, सब ध्यान भजन सुमिरन रोज करो, जरूर करो। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा। गुरु महाराज जाने से पहले ही कह करके गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो संभाल वाली बात तो बराबर करता रहा। जब से आने समय लोग गुरु महाराज गए तब से आने साल डेढ़ साल तक तो बराबर संभाल की ही बात किया, और अब भी संभाल की ही बात करता रहता हूँ पुराने लोगों की। लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश हो गया कि अब नए लोगों को नामदान दो, नामदान देना शुरू कर दिया। नामदान देना कोई मामूली बात नहीं है, इसमें कर्मों का लेना देना होता है। तो घबराहट हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद दया जब हो गई तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी सत्संग करता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। कई देशों में गया, आपके नेपाल में गया, हांगकांग में गया, सिंगापुर गया, मलेशिया, ओमान, कतर, दुबई, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ गया सब जगह नामदान देता हूँ। अब क्यों दे देता हूँ? क्योंकि इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह आदमी निकले कोई गारंटी नहीं है कि दो घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय में नामदान दे दिया जाएगा और भजन करने लग जाएगा और उसका प्राण भी निकल जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, तो मनुष्य शरीर तो पा जाएगा। क्योंकि संतों की बातें गलत हो नहीं सकती, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कह रखा है कि वो भजन करने लगेगा तो मनुष्य शरीर पा जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तो भटकने से तो बच जाएगा। इसलिए सब जगह नामदान दे देता हूँ, चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज्यादा लोग हों। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको भी नामदान दिया जाएगा। वो नाम बताया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतर पारा। नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मनमाही, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। वो नाम बताया जाएगा। तो देखो, नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है, लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया। यह नाम जो मुंह से लिया जाता है यह होता है मायक। मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में पैदा होते हैं, माँ के पेट में पल करके बाहर निकलते हैं, और उनका नाम जो रखा जाता है वो मायक नाम होता है। और निर्मायक नाम किसको कहते हैं? कि जो धनियों के मुंह से निकलता है वो निर्मायक नाम होता है। तो मायक नाम कौन था? राम नाम था, कृष्ण नाम था, और उन्होंने इस नाम को जगाया महापुरुषों ने। तो उस समय पर उसमें शक्ति थी, ताकत थी, राम नाम में शक्ति थी। देखो, राम नाम पत्थर के ऊपर लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। राम के समय में जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले द्रौपदी को, वाराग्रह को। त्रेता और द्वापर के पहले शतयुग था, शतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी। तो गुरु नाम जो होता है अन्य वो हार मांस के शरीर का नहीं होता है, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। वो शक्ति मनुष्य में आती है, दी जाती है
या रास्ता बता दिया जाता है, खुदा देख कर लेते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं। यही कारण है फिर राम एक हुए, राम कई नहीं हुए, कृष्ण एक हुए कई नहीं हुए, और गुरु कई हुए बहुत हुए। तो गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है। तो गुरु नाम की पूजा होती थी सतयुग में, गुरु महाराज नाम को जगाया कि आने वाले सतयुग में भी ये नाम रहे और कलयुग में भी यह नाम रहे, इसलिए सतयुग के गुरु नाम को उन्होंने जगाया। और गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु बिन भव निधि चरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई हो, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। तो गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु के पहले जय लगाया। और जो माने देने वाला, जो तो सच्चा गुरु समरथ गुरु होते हैं, वो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। लेते क्या? जो कोई लेने को ना तैयार हो, खुद को लेते हैं। ज्ञान रखने के द्वारा कर्मों को लेकर के जलाते हैं दूसरे के, क्योंकि जब वो अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो कोई बच्चा किसी के ना भी पैदा हो और गोद ले ले, दत्तक पुत्र बना ले, तो उसका टट्टी पेशाब सब साफ करता है, कपड़ा धोता है, तेल मालिश करता है, सेवा करता है उसकी। ऐसे ही अरे समझो, जिसको अपना मान लेते हैं, अपना लेते हैं, उसकी हर तरह की सेवा करते हैं, देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। तो अब आप ये समझो, देव देव माने सच, देव माने देव, इसलिए लगाया कि देते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जगाते कैसे हैं नाम को? आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, आप उस परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए हो, तहर के द्वारा ये जीवात्मा जुड़ी हुई है। ऐसे ही अनेस नाम को जिसको जगाते हैं, उसको उस मालिक से तार के द्वारा, जिसको आप देख नहीं सकते हो, पतला झीना तार, उसी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो जब इस नाम को जगे हुए नाम को आदमी कहीं मुसीबत में आए ऐसे समय में पुकारता है, तो वही मददगार हो जाता है। अब आप ये समझो, कैसे मददगार होता है कौन किसका? जैसे आदमी मददगार होता है, आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा, तो तुरंत पापा देखेगा, मम्मी मम्मी देखेगी, भाई भाई देखेगा, दीदी तो बहन देखेगी, जिसको पुकारेगा वही देखेगा, रहेंगे सब साथ, लेकिन जिसका नाम लेगा तुरंत देखेगा, बेटा क्या हो गया, भैया क्या हो गया, तुरंत। तो अब आप ये समझो, ऐसे ही जो पुकारता है नाम से, उसको जुड़े हुए नाम से, तो वो उसकी मदद कर देता है। कहा गया ना, कोटि कोटि मुन जतन कराही और अंत नाम मुख आवत नाही, आखिर वक्त में नाम मुँह से नहीं निकलता है। और अगर निकल जाए तो अब आप ये समझ लो कि मददगार हो जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जय गुरुदेव नाम को लोगों को रटाओ, इस जीते जागते नाम को लोगों को रटाओ। तो आप किसी को आप बता दोगे तो ऐसे नहीं रटेगा, याद नहीं करेगा, भूल जाता है, आदमी को भूल जाता है। लेकिन जो चीज रट जाती है वो चीज जल्दी नहीं भूलती है। जैसे आपका अपना नाम रटा हुआ है, तो दूसरा नाम आपका रख दिया जाए तो भूल जाओगे। वो था ना, रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब, लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए, तो मोटा तगड़ा हनुमान ही जैसा आदमी होना चाहिए, तो दिखाई नहीं पड़ा कोई, तो बोले वो हलवाई है, उसको हलवाई को बना दिया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, बात कर लिया जाए, चलो। अब हलवाई के पास पहुंचे तो कहा कि तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं, तुमको हनुमान जी का पाठ करना रहेगा रामलीला। तो अंदर अंदर तो बहुत खुश हो गया कि हमारा तो फोटो खिंच जाएगा और कैलेंडर बन जाएगा और हमारी पूजा लोग करने लगेंगे और फूल पत्ती आती हमारी होने लगेगी। अंदर अंदर बहुत खुश हो गया, क्योंकि फोटो खिंच जाता है उसी को लोग भगवान फिर मानने लगते हैं, चाहे वो शराबी हो चाहे कबाबी हो, राम बन गया, कृष्ण बन गया, हनुमान बन गया, उसी का फोटो खिंच जाता है, फूल पत्ती चढ़ा करके लोग सोचते हैं मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा।
ये समझ में तो हमारे नहीं आता है कि इनको मुक्ति मोक्ष होगा, लेकिन भावनावश लोग ऐसा करते हैं। तो खुश तो बहुत हो गया कि हमारा फोटो खिंच जाएगा और जगह जगह हमारी पूजा होने लगी, लेकिन सोचा हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं तो हम बोल कैसे पाएंगे वहाँ। कहा भाई हम बोल नहीं पाएंगे। अरे बोले तुम घबराते क्यों हो, तुमको हम साफ सिखा देंगे। ले गए और कमरे में रिहर्सल कराया, सिखा दिया और बोल ले गया वहाँ। लेकिन जब स्टेज पर पहुंचा और रावण के सामने जब रावण को देखा, वो बैठा हुआ है मूछे वाला और एकदम से गुर्राता हुआ, सो घबरा गया, पैर कांप गया उसका। अब जब रावण ने डाका, ओ भंडार कौन है, क्या है तेरा नाम, तो कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। वो अपना नाम बताने के जाए वही नाम जो रटा हुआ था, सबको बताता रहता था रामदास रामदास, वही बोला। ऐसे ही कोई चीज जब रट जाती है तो वही मुंह से निकलता है। तो यह जय गुरुदेव नाम यानी यह भगवान का जीता जाता नाम है। गुरु महाराज ने यानी समझ लो जब इस नाम को जगाया और प्रचार करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो जल्दी लोगों के समझ में ना आवे, क्योंकि कोई ना कोई भगवान का नाम आदमी लेता ही है और जिस नाम को लेता है उसी को सब कुछ समझता है, तो उसके समझ में ना आवे। तब गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा लेकर देख लो, इम्तहान लेकर देख लो, ये भगवान का नाम है। परीक्षा लिया लोग, जा रहे हैं ऐसे, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। जब मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती है। फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस हवा तेज चली, हाउसी में मक्खियां सब उड़ गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जगुटो बोला, तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द, देखो हड्डी हड्डी चटकती है, रोता चिल्लाता है, किसी किसी का तो टट्टी पेशाब तक मरते समय हो जाता है। उस समय पर जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ और प्रेमी ने 10 बार कान में जय गुरुदेव नाम बोल दिया, तो हम आँख खोल करके बताता है मरने वाला कि वो जल्लाद सब हट गए, हथौड़ी मुकदर लेकर के मशाल लेकर के जो आए थे वो सब हट गए और आराम से अब मैं जा रहा हूँ, कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं है। खूब परीक्षा लिया लोग, आपके मन में भी अगर शंका हो किसी को तो जय गुरुदेव नाम आप एक बार मुसीबत में बोल करके परीक्षा ले सकते हो। यही नहीं, प्रेमियों आप प्रचार कर दो कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके यानी मदद ले सकता है। तो यह नाम भगवान का, प्रभु का नाम जय गुरुदेव नाम, इसको प्रेमियों आप लोगों को रटाओ। कैसे रटाओगे, जगह जगह पर अखंड नाम धुनि करो, 24 घंटे की 12 घंटे की 8 घंटे 4 घंटे, और नहीं तो आप जितने भी लोग आए हो 2-2 घंटे की नाम धुनि अपने अपने घरों में रोज कर सकते हो। और रोज न कर पाओ तो आप महीने में 2-4 बार करो, इकट्ठा कर लो परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी बुला लो और नाम धुनी बुलवाओ। बार बार जब बुलाते रहोगे आते रहेंगे तो 10 ही मिनट कोई बैठ के बोलेगा तो याद तो होगा। देखो बच्चों, बच्चों को रटाओगे तो जल्दी नहीं रटेंगे, ऐसे नहीं कि रटो देखो तो नाम, तरीका बता देता हूँ। जब खाना बना लो, शाम को रोटी तैयार हो जाए, तब परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जरूर बोलवाओ और उसके बाद में रोटी खिलाना खाना शुरू करो। अब जब बच्चों को ये मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम बोलने पर ही रोटी मिलेगी,
तो जैसे कूकर सीटी देगा तैसे ही वो बुलाने लगेंगे, दादाजी चलो, चाचा जी चलो, दादी जी चलो, भाई चलो, चलो चलो चलो, ध्वनि बोला जाए। उनको मालूम है कि ध्वनि बोलेंगे तभी खाने को मिलेगा, तो इकट्ठा करने लगेंगे ध्वनि यानी बोल करके। और जब आदत डालोगे खाने खिलाने की तो बच्चों को भी याद हो जाएगा। आपके मिलने जुलने वाले कितने भी लोग कैसे भी हो, कोई शराबी शबाबी कबाबी कोई कैसा भी हो, सटोरिया जुआरी कैसा भी हो, अच्छा बुरा जिसको कहते हो कोई कैसा भी हो, सबको बता दो। अगर मिलने वाला है आपकी बात को मान सकता है तो सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते सो। और अगर उसने आपकी बात को मान लिया और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते भाव के साथ अगर वो सोया कुछ दिन तक तो लाभ तुरंत मिलने लगेगा। और अगर भाव से नहीं ऐसे भी बोलता रहा तो जब उसके कर्म धीरे धीरे कटेंगे तो उसको सुख शांति आराम मिलने लगेगा। तो बराबर इस बात का प्रचार करो आप लोग कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोग बोलें, आने वाले खराब समय में मददगार जय गुरुदेव नाम हो जाएगा लोगों के लिए। तो बोलवाना कैसे है भी आपको बता दें, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, इसी तरह से बोलना और बोलवाना है। तो यह तो है वर्णात्मक नाम। ध्वनियात्मक नाम अब आपको बताऊंगा, वो है इस वक्त का पांच नाम। अब आप ये समझो कि इन्हीं के लोकों में से होकर जाना पड़ता है जीवात्मा को, इसलिए इनका सुमिरन कराया जाता है, इनको याद किया कराया जाता है। अब आप समझो कि जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप माने चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप मुझसे बोलते हो आपकी आवाज है, ऐसे ही इस वक्त के पांच धनी हैं। उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। आप जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद आपको यही मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और लिख करके याद करके कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो जाए तो आपका नुकसान कर दें, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझो कि जब आपको सिखाऊंगा मैं, आप आंख बंद करोगे, दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाओगे, आंख की पुतलियों को रोकोगे, मन को भगने से रोकोगे, तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। ऊपरी लोगों की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, स्वर्ग वैकुंठ की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, देवी देवताओं का दर्शन अंदर में आपको होगा। आपको भजन करना बताऊंगा, जब भजन करोगे कन्हट वेदवाणी आकाशवाणी आपको जब सुनाई पड़ेगी तो सुन करके मस्त हो जाओगे। देखो रेडियो में गाना आता है, बाजा बजता है, तो बाजा सुन करके बहुत से लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, हाथ पटकने लगते हैं, कहते क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो जो उस मालिक के बजाए हुए बाजा को सुनेगा, जो देव लोकों में बाजा बज रहा है वो बाजा जब साधक सुनेगा तो मस्त हो जाएगा कि नहीं। मस्ती आती है और मस्ती जब आएगी तो खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। तो देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज जैसे दूसरों को बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज ना आपको दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए बताना मत किसी को,
कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, बताना नहीं किसी को। यह संकल्प आप लोग बना लो। अब आप समझो कि आपको दिया जाएगा नाम दान, वो नाम बताया जाएगा कि जिसके लिए मीरा ने कहा पायो और मैंने नाम रतन धन पायो, वह तुमोलक जी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो नाम रूपी रत्न है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके बदले तो आप कुछ दे नहीं सकते हो। लेकिन भारत देश की यह मर्यादा रही है, परंपरा रही है कि ऐसे समय में, ऐसे समय पर दक्षिणा के रूप में कुछ दिया जाता है। तो बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब पहले ही रखवा देते हैं और तब कान फूकते हैं, छाप लगाते हैं, कंठी बांधते हैं। तो यहाँ तो कंठी बांधा नहीं जाता, यहाँ तो घर भी नहीं छुड़ाया जाता है, जमीन जायदाद भी नहीं छुड़ाई जाती, बाल बच्चों को भी नहीं छुड़ाया जाता है। यहाँ तो आप गृहस्थाश्रम में रहो, शाकाहारी भोजन जितना खा सको उतना, हजम कर सको उतना खाओ, अच्छे मकान, अगर अच्छा मकान है अच्छे मकान में रहो, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो कि जिससे सदबुद्धि आवे, और थोड़ी देर भगवान का घर में ही बैठ करके भजन कर लो। इतना सीधा सीधा रास्ता आपको बताया जा रहा है ना, आपको समझ लो ये कहा जा रहा है हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान से सिख ईसाई बन जाओ, या आपका यानी कहा जा रहा ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाओ, शूद्र बन जाओ, कुछ नहीं। आप जहाँ जैसे रहते हो, आपने जो व्यवस्था बना रखी है उसी हिसाब से रहो। जहाँ आप रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब सयाने हो जाए, शादी का उनके समय वक्त हो जाए, तो समय से कर दो। बच्चे और बच्चियों को अपने लिए लड़का और लड़की खोजना न पड़े, जिससे मर्यादा इज्जत आपकी भी बनी रहे और गलत निर्णय वो न ले लें। क्योंकि जब गलत निर्णय ले लेते हैं, जीवन का अनुभव उनको होता नहीं है, तो गलत निर्णय जब ले लेते हैं, गलत जगह पर शादी ब्याह हो जाता है, तो जीवन भर पछताना और रोना रोना ही पड़ता है। शादी का आनंद सुख भी नहीं, गृहस्थाश्रम का सुख भी नहीं, 2 महीना भी नहीं होता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, ऐसा नहीं करने का। तो अब आप ये समझो कि आपको कुछ नहीं छुड़ाया जा रहा है, लेकिन आप कहो भाई हमको तो दक्षिणा देना चाहिए, तो दे सकते हो, दे दो। देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। जो भी आज तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले को सजा मिलती है, मांस खाने वाले की बुद्धि खराब होती है, खून खराब होता है। जैसा शुरू में मैंने आपको बताया, जो बच्चों समझ लो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, घर में पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, सब घर में नहीं आना चाहिए। आज से समझ लो घर में पकाना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। आप शौच करने के बाद, टट्टी मैदान के बाद जाओ धोने के लिए तालाब नदी में, टुकड़े गिरेंगे मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर नदी में बह करके आ गया, मछली खाएगी। उसका काम सफाई करना है, गंदगी रखना ही नहीं उसमें। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तब गिद्ध और कौवा खाते हैं। गिद्ध और कौवा का भोजन अब नहीं। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। औरत का खराब खून इकट्ठा हुआ बच्चा बनेगा, और मुर्गी का खराब खून इकट्ठा होगा तो अंडा बनेगा। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीजों को, कीड़ा मकोड़ा को ही खाएगी। कीड़ा पड़ा है, कोसी के बगल रबड़ी मलाई बढ़िया मिठाई डाल दो,
1000 रुपया किलो वाली मिठाई डाल दो तो मुर्गी उसको नहीं खाएगी, कीड़े को ही खाएगी। कीड़े के ऊपर मिठाई लगा दो, मीठी चीज कोई शहद लगा दो तो उसको ऐसे गिरा देगी। जब वो गिर जाएगा हिलाएगी ऐसे कीड़ा पकड़ के, और जब गिर जाता तो कीड़ा खाती है, और उसका खून बना, उसका अंडा बना। तो जितने डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, इनकी एक ही बात मत मानना। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है जो कहते मैंने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए। बगैर पेट्रोल के कोई हवाई जहाज उड़ता है? अरे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज पर बैठ के गए थे जिसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था? कुछ नहीं, उड़ करके गए और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। ऐसा कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बना दुनिया में कि जो पहाड़ उठा के ले आवे? आध्यात्मिक विज्ञान के आगे सारे विज्ञान फेल, आध्यात्मिक विद्या के आगे सारी विद्या फेल। देखो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, तो भी तो विज्ञान था। कितना भी डॉक्टर बच्चों तर तर करता रहे, बच्चों को अंडा मत खिलाना और खुद भी आप लोग मत खाना। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई, मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं का लिखा है गंगा जल कृत बारू जाना और तड़प इन संत कर ही नहीं पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया दो तो भी नहीं पीना चाहिए। तो आप लोगों में से कोई अगर पीते हो तो आज यहीं छोड़ जाओ, संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। लेकिन शराबी के पास मत बैठना, शाम को मत जाना, नहीं तो फिर पिला देगा। मन से तो आप दृष्टा लाओगे मन में, लेकिन अगर मन को मना नहीं पाया और शरीर को ले गया मनुष्य के पास कि चलो नहीं पिएंगे तो घूम ही आएंगे, मिलजुल आएंगे जैसे रोज जाते थे, तो ले जाएगा देर से जाओ। कहेगा रे तू कहाँ रह गया था, देर कर दिया। कहोगे चले गए थे उधर सत्संग में और वहाँ पे, ऐसे ऐसे बताओ। कहेगा लाया हूँ बहुत बढ़िया चल पी ले। कहोगे नहीं नहीं मैंने तो छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, वहाँ सत्संग में गए थे। सत्संग में गए थे तो कोई कंठी बांध के तो आए नहीं, अरे कोई भगत बन के तो आए नहीं, पी ले थोड़ा सा पी ले। कहोगे नहीं 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 छोड़ दिया। तब कहेगा हर पीने वाला यही कहता है छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। मैं भी तो लोगों से कहता हूँ छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, तू तो कोई नई बात थोड़ी बोल रहा है, पी ले तेरा चेहरा खिल जाएगा मुरझा रहा। बस लाएगा इसे मुँह के सामने लगा देगा, अब देखोगे तो कहोगे अमृत मिल गया, बस गटक जाओगे, सारा संकट टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कितना दिन निकल जाएगा सोचते रहोगे आज छोड़ेंगे आज छोड़ेंगे, आज छूट नहीं पाएगा। तो कुल चीज जब तोड़ना होता है तो जैसे लकड़ी होती है तोड़ दो एक बार, झुका झुका के छोड़ोगे तो टूटेगी नहीं। ऐसे ही आज ये संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। अच्छे लोगों के पास उठो बैठोगे तो आदत अच्छी बन जाएगी, ये बुराई आपसे निकल जाएगी। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया गुरु महाराज के अन्य समय लोग की दया से, और मेरे भी कहने में बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। मेरे कहने में तो बहुत से मांसाहारी होटल लोगों ने बंद कर दिया। अरे शाकाहारी जब से शुरू किया बहुत अच्छा चल रहा है, अंडे मछली शराब की दुकानें लोगों ने बंद कर दी। कहते हैं आप दूसरा काम किया बहुत अच्छा चल रहा है। तरीका होता है, बरकत खास चीज होती है, बरकत छिन गई सब चला गया, और बरकत मिल गए तो थोड़े में ही गुजर हो जाता है। तो तरीका होता है, मेरे पास तो तरीका है मैं बता दूं। एक कमाए और 10 खाए। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूं, अनमोल चीज देता हूं। अब आप ये समझो 3 चीज, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आंख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन माला जपने को, आंख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन। 3 चीज आप और समझो, 3 आंख 3 कान और 3 नाक।
देखो दो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। इन्हीं दो आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है जिसको आत्म चक्षु शून्य तीर्थाधारी कहते हैं। इस शरीर को चलाने वाली जो ये जीवात्मा है, इन्हीं आंखों के बीच में बैठी है, इसके शरीर के बीचों बीच में। तो वैसे तो शरीर का बीचों बीच यहाँ कहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पैर कट जाए हाथ कट जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, और गला कट जाए तो फिर नहीं जिंदा रह सकता है। तो सारा सिस्टम यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहीं से सब जुड़ा हुआ है, यहीं से जीवात्मा यहाँ बैठी है। इसका जो अन्य प्रकाश है वो यहाँ पर पड़ता है कंठ पर, यहाँ से उसे कमल चलते हैं। आद्या महाशक्ति का स्थान, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान बताया गया ये, और यहाँ पर ये चक्र चलता है, यानी उसी के ताकत से रेंज से यानी चलता है ये। यहाँ यानी समझ लो विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और फिर ये यहाँ पर इंद्रिय यानी समझो कि नाभि चक्र विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय चक्र पे साप का मुकाम, ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का यह स्थान, और गुदा चक्र चट्टी का जगह वहाँ पर यानी आप समझ लो गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्थान। तो ये कमल चलते रहते हैं, कमल हैं चलते रहते हैं। यह कमल जब रुकते हैं तो देवताओं का दर्शन भी होता है। तो पहले लोग चक्रों का भेदन करते थे, चक्रों को रोकते थे, ये जो चक्र हैं यानी इनको रोकते थे। तो जब रोका तो देखा कि गणेश जी बैठे हैं चार दल कमल पर, फिर आगे बढ़े तो देखा कि ब्रह्मा और सावित्री गायत्री बैठे हुए, फिर विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए, और फिर शिव बैठे हुए हैं पार्वती के साथ, और इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति कंठ पर बैठी हुई। तो इसी में दसों दस हजार वर्ष की उम्र लोगों खत्म हो गई। सतयुग में मनुष्य की उम्र एक लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की, और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल। तो जब आने समय जो कर्म लोगों के खराब होने लग गए, और जीव नरकों में जाने लगे, मारे जाने लगे, सताए जाने लगे, चिल्लाए जब, तब ऐसी दशा देख जीवों की, और सत पुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सत लोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चल चल पहुंचो अगम ठिकान। संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने आंखों के नीचे की जितनी साधना थी सब खत्म कर दिया, आंखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उससे बहुत जल पारा। तो इन्हीं दोनों आंखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है, पांच स्थान इसके नीचे और पांच स्थान ऊपर। ऊपर में शहर दल कमल, त्रिकुटी रश्मा द्वार, भौर गुफा और सतलोक, बीचों बीच में ये बैठी हुई है। एक आंख जीवात्मा में है, तो दो आंखें बाहर और एक आंख अंदर जीवात्मा में, तीन आंख, दो कान ये बाहर और ये कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान अंदर की आंख से अंदर ऊपर के लोक हैं, ऊपर लोकों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और बाहर की आंखों से बाहर की चीजें, बाहर के कान से बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और अंदर के कान से अनहत बैरबाणी आकाशवाणी साउंड गैबी आवाज उसको कहते हुए वो सुनाई पड़ता है। और तीन नाक, देखो एक सुराग दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, यह है नाक। तो दो नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, तीन नाक, तीन नाक, तीन आंख, तीन कान, और सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज है, और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। आप दूंगा नामदान, बैठ जाओ जैसे ऐसे हम बैठे हैं, पालथी मारो, पालथी मारो, जो जो नाम मैं बोलूंगा आप सब लोग नए पुराने एक साथ बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप लोग भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊंगा, बताऊंगा आपको। बैठो, ले लो अनमोल चीज, रुपये पैसा धन दौलत से देने वाली चीज नहीं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते थे गुरु लोग, तब इसको देते थे। आप तो पहली बार आए हो और आपको दे दिया जा रहा है, करोगे तो फायदा हो जाए, कुछ समझे ना समझे, और इसको जो बता रहा हूं इसको अगर कर ले गए तो इसी से सब समझ में आ जाएगा।
जय गुरुदेव। कुदरत के बरखिलाफ काम करेंगे और कुदरत सजा देगी। अभी देखो बीमारियों को आपने नहीं देखा, बीमारियां अभी बहुत आएंगी और ज्यादातर मांसाहारी शराबियों को ही होंगी, वही मरने लगेंगे। और ऐसी छोटी बीमारी अभी फैल जाए कि घर के लोग ही अन्य रुमलो सेवा करना बंद कर देंगे। आप रुमलो लाशों को जलवाने लोग नहीं जाते हैं, जब छूट की बीमारी से मरता है तब तो समझ लो कि बड़ी आफत। धरती पर पाप बहुत हो रहा है, ये धरती हिलेगी, खून बहुत बह रहा है, धरती पाप से जब बोझिल होगी हिलेगी, भूकंप आएंगे, कितने मरेंगे कितने बचेंगे अभी उसका पता आपको कुछ नहीं है। अब आप समझो कि जो इसको बनाना भी जानता है, जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। तो जब वो नाराज हो जाएगा जिसने आपके लिए सारे साधन सुख सुविधा दे रखा है, और वो मालिक नाराज हो जाएगा और सजा देने के लिए जब सोचेगा तो हर तरफ से सजा। जब कहते हैं कि जब गरीबी आती है तो आटा कीला पड़ जाता है, इसलिए आप गरीबी आने क्यों दो, तकलीफ आने क्यों दो, आप लोगों को समझाओ और बताओ और लोगों के कर्मों की माफी दिला दो। माफ हो जाएगा तो तकलीफों से लोग बच जाएंगे। तो बराबर लोगों को समझाते रहो कि कुदरत के खिलाफ काम मत करो, जान बचाना इस समय बहुत जरूरी है। देखो उन्माद में मत आना, कोई कह दे तुम्हारा धर्म जा रहा है, कोई कहता तो हो जाओ बन निकल पड़ो और मरने मिटने लग जाओ, काट दो और कट जाओ। तो दुनिया की सारी दौलत धन पुत्र परिवार या मंदिर मस्जिद या सारी चीजें तो फिर मिल जाती हैं, लेकिन यह मानव मंदिर जब ढह जाता है, यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर जब यह ढह जाता है, जान आदमी की चली जाती है तो जान वापस नहीं आती है। इसीलिए मैं तो बराबर सबको समझाता रहता हूँ। गुरु महाराज के पास हमारे हर तरह के लोग आते थे और हमारे पास भी हर तरह के लोग आते हैं। मैं तो समझाता रहता हूँ कि भाई जान बहुत बड़ी अन्य समझलो की कीमती चीज है, इसको बचाओ। लड़ाई झगड़ा ना होने पावे, युद्ध ना होने पावे, हिंसा हत्या ना होने पावे, उन्माद लोगों के अंदर ना आने पावे। मैं तो बराबर समझाता रहता हूँ, देशभक्ति का पाठ पढ़ाता रहता हूँ कि देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव से नुकसान नहीं होना है, इसलिए देश से प्रेम करो, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति को बचाओ, नियम कानून का पालन करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो। बराबर सिखाता रहता हूँ। आप थोड़ा सा अन्य इस तरह की बातों को लोगों को बताते रहोगे तो लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, सुनते सुनते लोग बदल जाते हैं। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसा डाकू देखो, अन्य सुन करके ही तो बदले थे, तो इसी तरह से लोग बदल जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा। देखो अच्छा समय तो आने ही आना है, महापुरुषों का संकल्प कभी भी अन्य समय लोग के अधूरा नहीं रहता, पूरा होता है। शिवलिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब आप ये देखो, एक कुर्सी पर दो राजा नहीं बैठ सकते, तो एक हटेगा तभी तो दूसरा बैठेगा। तो कलयुग जब हटेगा तो कलयुग प्रेमी यहाँ रह पाएंगे, कलयुग से जो प्रेम करते हैं ले जाएगा, बहुत मरेंगे उसमें। और अकाल मृत्यु में जब मरेंगे, उम्र पूरी किए हुए बीच बगैर उम्र पूरी किए हुए बीच में ही मर जाएंगे, तो प्रेत योनि में जाएंगे। मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, खा ही नहीं पाते, पेट भरता ही नहीं है, तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, और बहुत समय तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। तो बचाना तो जरूरी होता है, बचा लो, परोपकार करो। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। तो अब आपको मैं ये बता रहा था कि युग बदलेगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, लेकिन यह भी देखा गया
कि जब युग बदलता है तो लोग मरते बहुत हैं। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो बहुत मरेंगे। अब सब मर जाए तो सतयुग देखेगा कौन, और सतयुग का आनंद कौन लेगा। इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाना है। सतयुग योगी सब विज्ञानी, और कर है ध्यान तरह न प्राणी, सब योगी और विज्ञानी हो जाएंगे। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी सतयुग में। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब योगी और विज्ञानी हो जाएंगे। समय पर सब काम होगा। रामचंद्र के राज में किसान को खेत में पानी मांगना पड़ता था, तब बरसता था। और सतयुग में तो निमित्त मात्र के लिए कोई खेत को जोड़ करके चलाएगा, बीज को डाल करके, और बादल अपने आप आएंगे, बरस जाएंगे। एक बार बुआई कर दो और पचासों बार उसको काटो, कोई जरूरत नहीं फिर बुआई करने की, ऐसा समय आएगा। आप देख लो एक गन्ना कई कई साल तक आए, समझ लो सिंचाई करते रहते, गोड़ते रहते हैं, और शाखा उसमें से निकलती रहती। ऐसे ही अन्न की पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, कम मेहनत में ही बहुत काम होने लगेगा। खाने पहनने की दिक्कत लोगों की खत्म हो जाएगी, लोगों में प्रेम हो जाएगा, सदाचार त्याग सेवा की भावना आ जाएगी, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे मछली की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नियत खराब होगी ही नहीं। भावनाओं की तो बात होती है, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएगी, लोगों के विचार बदल जाएंगे, सिद्धांत बदल जाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा। लेकिन समझ लो बच्चों, बच्चियों समझ लो आप इस बात को, बीच का समय बड़ा खराब है। इस खराब समय से बचने के लिए बड़ी होशियारी रखनी है। अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी, हिंसा, हत्या भी बहुत बढ़ेगी, ठगी बहुत बढ़ेगी। ठगों से होशियार रहना। गुर्जर गुर्जर वाला आ गया, टाट पहनकर आ गया, गुलाबी पहनकर आ गया, और घर में बैठा और 2 घंटा बैठ करके ध्यान लगाया और बढ़िया बढ़िया बात सुनाया, और लालच दे करके रुपया पैसा लेकर चला गया, बहन बहू बेटियों पर गला नजर डालकर चला गया। तो होशियार रहने की जरूरत है, संकट बढ़ रही है, इसलिए सब बात आपको बता रहा हूँ। कब किसकी नीयत खराब हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये जयपुर जो वाले भी जो बनते हैं, ये सब के सब पारंगत नहीं है। कोई पहली में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, कोई चौथी में है, तो एक स्कूल में भर्ती है, बच्चा कई साल तक भर्ती रहता है स्कूल में, वो पढ़ नहीं पाता है, स्कूल आता जाता रहता है। ऐसे ही कुछ लोग स्कूल आते जाते रहते हैं, हाजिर लगाए रहते आते जाते रहते हैं, लेकिन सत्संगी के गुण नहीं आ पाते, परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। उनका निशाना पैसे का ही, मान सम्मान का ही। तो होशियार रहने की जरूरत है। जो ले लेगा रुपया पैसा देगा ही नहीं, कोई भी हो कैसा भी हो, नियत इस तरह की खराब होगी। रुपया पैसा लगवा देंगे, आमदनी भी देंगे, पार्टनर बन जाएंगे, पार्टनरशिप में धंधा भी कर लेंगे, और शुरू में बात देंगे पैसा, मुनाफा ज्यादा दे देंगे, और उसके बाद सब लेकर निकल जाएंगे। नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, रेट का 4 गुना करा देंगे, दे दो, और लेकर निकल जाएंगे, एक पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा होशियारी रखने की जरूरत है। सब बात मैं बताता हूँ, लोग का आपका न खराब हो, फल लोग न खराब हो, आपका मन न खराब हो, परमात्मा से आप अलग न हो जाओ, भगवान पर से विश्वास हट न जाए, इसलिए इन सब चीज़ों को बताना जरूरी है। तो सब आज आपको बता के जा रहा हूँ, तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। देखो हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, और आपके इधर के लोग जाते भी हैं। आप लोग जो नहीं आए हो, आपको निमंत्रण देता हूँ, हमारे उज्जैन में आइएगा आश्रम पर। तो अब करूँगा छुट्टी, अरे कर दूँ छुट्टी, भूख लगी है,
नहीं लगे तो खा के आए हो, लेकिन बगैर भजन कराए कोई छुट्टी नहीं। कितनी भी भूख लगी हो, 5 मिनट तो करने करना पड़ेगा। डालो कपड़ा ऊपर से, वो ढक लो, जिनके पास कपड़ा ऊपर से डाल लो। कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में और भजन में भी, और आंख मुंह बंद करो और कान में उंगली लगाओ, आवाज को पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज किधर से आ रही। अंदर में आवाज को पकड़ो, लगाओ कान में उंगली, बैठ जाओ सब नए पुराने, बैठ जाओ, अभ्यास कर लो, पुराने लोग नए लोग सीख जाएंगे। जब कहूंगा तब खोलना, बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सत गुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो मसे मुख मोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक विसराओ, बालक आया शरण अब मैं तो रया, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पटित अब जाए कहीं और, मोसो पटित दया के नजर करो मेरी ओर, दया नजर करो मेरी ओर, मैं हर
के नजर करो मेरी ओर, निहार के नजर करो मेरी। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, हम सबके आभारी हैं। ये विद्यालय का प्रांगण है, हमारी इस विद्यालय के लिए शुभकामना है, जिसमें बच्चे सच्चे अच्छे नेक देशभक्त आनी बन करके यहाँ से निकलें, माता पिता की सेवा करें, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें और नाम कमावें। बोलो जय गुरुदेव।